नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है और हम दिखाते हैं सच। मॉर्निंग वॉक पर निकले मुरादनगर विधायक के मामा की स्कूटी सवार बदमाशों ने मारी दिन दहाड़े गोली। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी आज सुबह देखने को मिली। आज सुबह गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के लोहिया नगर इलाके में अफरा तफरी मच गई, जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तकरीबन 60 वर्षीय व्यक्ति की स्कूटी सवार दो बदमाशों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पूरा मामला थाना सिहानी गेट क्षेत्र के लोहिया नगर इलाके का है, जहां 60 वर्षीय नरेश त्यागी अपने परिवार के साथ रहते हैं। रोजाना की तरह नरेश त्यागी घर से पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। पार्क के पास ही स्कूटी सवार दो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नरेश त्यागी कॉन्ट्रैक्टर का काम किया करते थे। साथ ही मृतक नरेश त्यागी मुरादनगर विधानसभा से भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा भी थे। मामा की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर अजीत पाल त्यागी भी पहुंच गए। हालांकि पुलिस मौके पर जांच की बात कह रही है और जल्द ही गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। आज प्रातःकाल सियानी गेट थाना अंतर्गत सूचना मिली कि लोहिया नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं श्री नरेश त्यागी, उम्र लगभग 60 साल। ये अपने घर और पार्किंग के घर के कुछ ही दूरी पर है, घर और पार्क के बीच में थे, वहाँ को जा रहे थे, पार्क की तरफ को जा रहे थे, तभी एक स्कूटी पर दो व्यक्ति थे जो इन पर हमलावर हो गए और इन पर गोलियां चलाई हैं। इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं और इस मामले में टीमों को लगा दिया गया है, शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। गाजियाबाद से महेंद्र मिश्रा के साथ आलिशान खान की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। और देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज हब भारत चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।